हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ और आज मैं आपके साथ एक हेल्दी टेस्टी रोल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम है झुमका भाकरी रोल। तो आप देखिए मैं ये रेसिपी कैसे बनाती हूँ। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक लेनी है कटोरी। कटोरी में मैंने आधा कप ले लिया है बेसन और बेसन के साथ यहाँ पे मैंने ले लिया है हाफ कप दही। तो इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। कब तक मिक्स करना है? जब तक ये पूरे लम्स कट ना जाए। और इतने अच्छे से हम लोग हिला रहे हैं इसको कि पूरे लम्स ना रहे, ऐसे ही इसे पूरा एक लिक्विड फॉर्म में लेकर आना है। अगर आपको लगता है कि नहीं दही कम पड़ रही है तो आप इसमें पानी डालिए, पर एकदम लिक्विड फॉर्म में एकदम पानी पानी हो जाना चाहिए, कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। इस वजह से हम लोग पहले इसे कटोरी में मिक्स कर लेते हैं क्योंकि जब हम इसे तड़का देंगे तब कोई लम्स इसमें नहीं रहेंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये इसमें अभी कोई लम्स नहीं है और मैंने इसे अच्छे से एकदम कर दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, एकदम पतली। तो अब यहाँ पे एक फ्राई पैन ले लेना है। फ्राई पैन में यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून जितना तेल ले लिया है, उसमें डाल दिया है मैंने जीरा, उसके बाद सरसों और कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते के बाद इसमें हम डाल देंगे पिसा हुआ लहसुन और हरी मिर्च, क्योंकि पिसा हुआ लहसुन और हरी मिर्च डालने से ना एक बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और फिर दे देना है हमें इसमें प्याज, और प्याज को इसे में हमें जब तक इसका कलर चेंज हो जाए तब तक भूनना है। हल्का कलर चेंज हो जाए, पूरा ब्राउन नहीं पिंकिश कलर रहे तब तक। और फिर हमें ये जो पिठला है, ये जो झुमका है उसका ये जो बैटर है ये पूरा इसमें ऐड कर देना है और अच्छे से मिक्स करते रहना है कि कहीं पे कोई लम्स ना पड़े। अब जब मिक्स करते करते आप देखेंगे कि नहीं कंसिस्टेंसी आ गई, इसमें लम्स नहीं पड़ेंगे, तो उस टाइम पे आप नमक और हल्दी डाल दीजिए। नमक स्वाद अनुसार डाल दीजिए और हल्दी डाल दीजिए और मिक्स करते रहिए कि जब इसमें कोई लम्स ना रहे और एक गाढ़ा गाढ़ा एक ये बन जाए, बैटर बन जाए। तब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी टाइम पे हमें इसे बस बंद कर देना। ये जो फूला फूला दिख रहा है इस टाइम पे बस हरी धनिया डालनी है इसमें और बस ये इसे हमें बंद कर देना है गैस। इसमें लोग लास्ट में नींबू डालते हैं पर मैंने पहले ही दही यूज कर लिया है इसे एक हेल्दी रेसिपी बनाने के लिए, तो इस वजह से और नींबू की जरूरत नहीं, दही का खट्टापन इसमें ऑलरेडी है। तो बस हो गया है और आप इस फॉर्म में ही आके इसे बंद कर दीजिएगा तो कभी ये गाढ़ा नहीं होगा। तो यहाँ पे फिर मैंने एक प्लेट ले ली है और उसमें मैंने ले लिया है भाकरी, जो जवार की रोटी जिसे कहा जाता है। और इस पे हम राजस्थानी जो लहसुन की चटनी है वो हमें अच्छे से इस पे स्प्रेड कर देना है, बहुत ही अच्छे से लगा लेना है कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आए, तीखा खट्टा जो नमकीन टेस्ट है वो पूरा रहे रोल का। और बहुत ही हेल्दी रोल है। बच्चे कहते हैं कि नहीं ये नहीं खाना है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, जवार की रोटी अच्छी नहीं लग रही, पर अगर आप इस फॉर्म में देंगे ना वो जरूर खाएंगे और ये रोल वो जरूर ही पसंद करेंगे। तो बस पिठला दे दिया है, झुमका जिसे कहते हैं वो दे दिया है, अच्छे से स्प्रेड कर लिया है और अब इसे हम रोल कर लेते हैं रोल के शेप में। और बस यहाँ पे हमारा ये झुमका भाकरी रोल एकदम रेडी है। और एक जो रोल है भाकरी है उसे भी मैं ऐसे ही कर लेती हूँ, इसमें लहसुन की चटनी स्प्रेड कर लेती हूँ। आप लोगों को कैसी लगी रेसिपी? बहुत ही इजी सिंपल रेसिपी है और हेल्दी भी है, तो आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। और आप लोग इतने अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं वो भी अच्छा लगता है, सब्सक्राइब करते हैं, और जिन्होंने नहीं किया वो प्लीज कर दीजिएगा। तो यहाँ पे रोल बन के रेडी है और अब मैं अपना लंच कर लेती हूँ।